नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शनिवार द्वादशी तिथि आज पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दिन में 1:50 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बुधदेव हैं। रेवती नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर पवित्र हृदय वाले, हर काम करने में समर्थ वीर, सबके प्रिय और धन ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान, सम्माननीय पद पाने वाले, उचित सलाह देने में निपुण होते हैं। ये दुविधापूर्ण मनोस्थिति वाले, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, चतुरता से अपना काम निकालने वाले, ईमानदार, आदरणीय और सक्षम अधिकारी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बुध और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मीन राशि में ही चलते रहेंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद पुनः इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के प्रयास सफल होंगे और काम करने में मन लगेगा। नई कार्य योजनाओं के संपन्न होने में गति आएगी। सरकारी एजेंसियों से सहयोग और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां जरूरी होंगी। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में 12वें भाव में चल रहे हैं। शरीर की ग्रंथियों में हार्मोन्स का संतुलन प्रभावित हो सकता है। अचानक यात्रा की संभावना बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सहयोग और सफलता की उम्मीद बनती है। वृष राशि वाले जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सहयोग और आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और नई जानकारियां हासिल होंगी। नई कार्य योजनाओं के लिए सहयोग और दिशा निर्देश जारी रहेगा, मगर घर गृहस्थी संबंधी मामलों में निवेश भी संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, मगर अचानक वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ेगी, जिसका उचित समाधान निकालने में सफल रहेंगे। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में विस्तार और सफलता मिलती जाएगी। चंद्रमा के बुध के नक्षत्र में होना सहयोग, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि का संकेत करता है। साझेदारी के कामों में भी सार्थक प्रेरणा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त रहेगा। सरकारी कामकाज में रुकावट खत्म होगी और संतुष्टि महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। अपनी दिनचर्या में सुधार करना आवश्यक होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए रुके हुए काम संपन्न होंगे और व्यावसायिक पक्ष सुदृढ़ होगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी, उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। सामाजिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नए कार्य योजनाओं के आयाम मजबूत होंगे और विकास की दर में वृद्धि होगी। कर्मचारी सुकून महसूस करेंगे, मगर अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। चंद्रमा आज शनि और बुध के नक्षत्र में चलते रहेंगे, इसलिए शारीरिक संवेदनशीलता और मानसिक दुश्चिंता का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा। कामकाज में गति आएगी और विचाराधीन कार्य संपन्न होंगे। संतान संबंधी मामलों में चिंता बढ़ सकती है और यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिश्रम का सार्थक फल मिल सकता है और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सार्थक प्रयास होंगे।
वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होगी जो कि कार्य योजनाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा, सावधानी अपेक्षित है। साथ ही साथ सामान्य ढंग से चल रहे कामों में रुकावट का संकेत मिलता है। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा और सहयोग बरकरार रहेगा, फिर भी कार्य क्षेत्र के कुछ पहलुओं पर मन संकित रहेगा। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुसार मिलता जाएगा और अनावश्यक खर्च का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चले आ रहे कामों में रुकावट और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। मन मुताबिक काम होने में दिक्कत और रुकावटें हो सकती हैं। उत्साह में कमी और काम करने में मन का ना लगना संभावित है। हालांकि प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है, मगर वैवाहिक प्रस्तावों में सफलता की संभावना भी बनेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की नई योजनाओं का लाभ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे। आपके मेहनत का पूरा फल मिलता जाएगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सरकारी विभाग के रुके हुए काम पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मकर राशि वाले जातकों को बुध के नक्षत्र का फल सहयोगात्मक रूप से जारी रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। भाग्यवश आज कुछ काम अच्छे होंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूर्ण सहयोग और सफलता का संकेत मिलता है। सामाजिक लाभ जारी रहेगा। सूर्य मंगल और गुरु का पूरा सहयोग लाभदायक रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से योजनाएं पूरी होंगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। नई कार्य योजनाओं और साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। निजी निवेश के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे, मगर विरोधियों से हस्तक्षेप या बाधा संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। वैवाहिक प्रयासों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास जारी रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपकी राशि पर ही चल रहे हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में भी उत्साहजनक स्थिति कायम रहेगी, मगर महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की प्रेरणा और सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।